जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के नौवें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इस पावन दिन पर अपने घर में पूजा पाठ कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप नदी में नहीं जा सकते तो घर में जो नहाने का पानी है उसमें गंगा जल डालकर स्नान कर लें। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का पूजन में अगर भगवान विष्णु को नहीं पूजा जाए तो माता लक्ष्मी का पूजन अधूरा होता है। इसलिए जब भी भगवान विष्णु का पूजन करें तो माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करें, और माता लक्ष्मी का पूजन करें तो भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें, और भगवान विष्णु को जरूर भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अर्पित करना बिल्कुल न भूलें, इस क्योंकि आपका भोग अधूरा माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोगों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके अगर दोष हैं तो उन दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है, तो आप गाय को भोजन जरूर कराएं। बैसाख पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन मिट्टी का दीपक हनुमान मंदिर में जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति व वैभव बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सहपाठी सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था। इस व्रत के प्रभाव से ही सुदामा का दरिद्रता का नाश हो गया था। बैसाख पूर्णिमा के दिन घर में लक्ष्मी नारायण यानी शतनारायण भगवान का पाठ कराने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही दुख दरिद्र घर से दूर हो जाता है। इसलिए शतनारायण का पाठ करने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान करने के बाद घर के सबसे मेन गेट में जल्दी हल्दी व चंदन से स्वास्तिक व ओम बना लें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।